हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं लेकर आई हूँ एक प्यारा सा फ्रूट जो सभी को पसंद होता है और ख़ास तौर से बच्चों को, स्ट्रॉबेरी। और आप ये देख रहे हैं प्यारे प्यारे से फ्रूट्स जो लगे हुए हैं और आप इसे गमले में बहुत आसानी से उगा सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसके कौन से टॉप सीक्रेट्स हैं जिसके साथ आप इसे बहुत आसानी से गमले में उगा सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक वीडियो के, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। और ये देखिए, ये मैंने लास्ट टाइम स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स लगाए थे तो उन्हीं का मैं आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉबेरी निकल आती थी, हफ्ते में एक बास्केट भर के तो स्ट्रॉबेरी इस पे से मैं तोड़ ही लेती थी। और ये इतनी हेल्दी और एकदम ऑर्गेनिक होती हैं, कोई भी पेस्टिसाइड का मैं यूज़ नहीं करती हूँ इसमें। तो आप भी बहुत आसानी से अपने घर पे उगा सकते हैं स्ट्रॉबेरी। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और मैंने इसके सीड भी रखे थे, कुछ मैं ख़रीद के भी लाई थी स्ट्रॉबेरी के सीड, बट वो उतने अच्छे ग्रो नहीं कर पा रहे थे और थोड़ा लेट भी हो जाते। तो मैंने सोचा कि वो जब तक तैयार होते हैं उससे पहले नर्सरी से लेके आती हूँ, तो कुछ प्लांट पहले लगा लेती हूँ, उसके बाद जो अपने घर पे ग्रो करूँगी उन्हें लगा लूँगी। तो ये मैंने लिया है एक पार्ट सैंड, जो नॉर्मल सैंड होती है कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, और एक पार्ट लिया है कंपोस्ट यानी कि गोबर की खाद, और दो पार्ट ली हैं जो हमारी गार्डन सॉइल होती है। तो इस तरीके से मैंने 25% दोनों चीज़ें ले ली, 50% मैंने ले लिया नॉर्मल सॉइल, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी पहचान बता देती हूँ। इसकी लीव्स जो होती हैं तीन तीन के साथ होती हैं, कि एक लीव के साथ तीन लीव होती हैं, और उनमें कट्स होते हैं और देखने में बड़ी रफ़ और हल्के हल्के से रुएं से निकले होते हैं इसके। और जितनी भी लीव आती हैं वो अंदर से ही इसके निकलती हैं, कोई इसकी स्टेम नहीं बनती, आप देख रहे होंगे। इसमें बड़े हेल्दी से प्लांट थे, लेकिन क्या है कि अभी थोड़ी गर्मी है तो थोड़े सूखे से ये अभी लग रहे हैं, लगाने के बाद में बड़े अच्छे हेल्दी प्लांट हो जाएंगे ये। और मुझे मिल भी बहुत सस्ते गए थे, ये 50 रुपीज़ के दोनों प्लांट हैं। तो मैंने यही सोचा कि अभी इन्हें लगा लेती हूँ, जब अपने तैयार हो जाएंगे तो उन्हें लगा लूँगी, और अभी जल्दी इन पर 15-20 दिन बाद ही स्ट्रॉबेरी लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऐसा होता है पूरे सीज़न स्ट्रॉबेरी हमें ख़रीदनी नहीं पड़ती। और ये मैं बहुत अच्छे से मिक्स करके इस सैंड को गमले में भरूंगी। अभी तो एक गमले में ही इन दोनों को लगाऊंगी, अगर बाद में लगेगा कि ज़्यादा फैल रहे हैं प्लांट तो अलग अलग कर लूंगी, और नहीं तो बड़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं, इनकी रूट्स ज़्यादा नहीं होती, एक छोटे से गमले में भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। मैं पिछले 5-6 सालों से स्ट्रॉबेरी के प्लांट लगा रही हूँ घर पर, और मुझे ख़रीदने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, कई बार बस प्लांट खरीद लाती हूँ, 2-3 बार मैंने सीड्स के साथ भी उगाए हैं। तो अब मैं इन्हें लगा दूंगी गमले में, थोड़ा सा नीचा करके ही लगाऊंगी, क्योंकि ऊपर की तरफ जब ये बढ़ते हैं तो काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं। और ये पॉलिथीन तो मैं सेव करके रखती हूँ, इनमें कोई और प्लांट लगा के रख लिया जाता है तो बेकार में क्यों वेस्ट करके फेंकनी। और वैसे भी ना, मेरा मानना ये है कि जितना हम प्लास्टिक का कूड़ा कम करें उतना ज़्यादा अच्छा है। तो मैं सबसे पहले यही सोचती हूँ कि प्लास्टिक को किस तरीके से रीयूज़ किया जाए और उसे हरदम कूड़ा बना के ना फेंका जाए। तो इन दोनों प्लांट्स को एक ही गमले में लगा देती हूँ, बड़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं ये। और अभी अक्टूबर का फर्स्ट वीक ही है तो ये भी आपको देखने में बड़े अनहेल्दी से बेकार से लगेंगे, बट जैसे ही इन्हें हम लगाएंगे और ठंड आएगी ना, एकदम बढ़िया ये प्लांट ग्रोथ करने लगेंगे। बस आपको ध्यान इसका ये रखना है कि इसे सुबह की 3-4 घंटे की धूप मिल जाए, उसके बाद में अगर शाम को धूप ना भी मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके आसपास का जो टेम्परेचर है वो 30 से 33 के आसपास ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा टेम्परेचर ना हो। तो ऐसी जगह पे ही रखना है जहाँ सुबह की धूप तो अच्छी मिले, उसके बाद
इस पे छाया रहे, डायरेक्ट सनलाइट ना हो। और इसमें वाटरिंग की अगर बात करें तो वाटरिंग आप इसे हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, या जब भी आपको लगे कि गमला सूख गया है। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बात करती हूँ, आप वाटरिंग जब भी करें फुल ऑफ वाटरिंग करें, अच्छे से पानी खूब भर दें। उसके बाद में मिट्टी को जब सूखी सी लगे पलट दें मिट्टी को हल्की सी, तो उससे जो ऑक्सीजन होती है रूट्स को मिलती है और फंगस और कोई प्रॉब्लम होने का खतरा भी नहीं रहता। और जैसे ही वो सूखने लगे प्लांट, उसके बाद फिर से फुल वाटरिंग कर दीजिए और आप देखेंगे आपके प्लांट एकदम हेल्दी और एकदम प्यारे से हो जाएंगे। और अच्छे से मैं इसे दबा दूंगी जिससे कि गड्ढा ना रह जाए या इसकी रूट्स हैं वो डैमेज ना हो। और उसके बाद में हम इसमें भरेंगे पानी खूब अच्छी तरह से। और ये तो है ही कि कोई भी चीज़ है, हम उसकी जितनी सेवा करेंगे उतना ही अच्छा हमें फल मिलेगा। चाहे आप इंसान की सेवा कीजिए चाहे प्लांट्स की कीजिए, लेकिन जितनी आप केयर करेंगे उतनी मेवा आपको ज़रूर मिलेगी। तो इससे तो हमें स्ट्रॉबेरी मिलने वाली है। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।